हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसका प्रश्नावली है 3.3, इसका प्रश्न क्रमांक 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, यानी कि समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों, सम्मुख यानी बच्चों होते हैं सामने के कोण, ठीक है, सामने के कोण हो और जो कि बराबर हो। तो ये अपने आकृति खींचनी है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से आप इसमें आकृति बना सकते हो, जो इसके सम्मुख कोण है ना वह कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाली आकृति, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इस तरह से आप इसकी आकृति बना सकते हो, ठीक है। बस इसमें इतना ही होगा। प्रश्न क्रमांक 5 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी बच्चों पास पास वाले कोण का अनुपात दिया है 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो आसन्न कोण ये जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों पास पास है तो ये आसन्न कोण होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के मानो कि एक कोण ये ले लेते हैं हम, एक कोण बी ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दिया है, कोण नहीं दिया है, अनुपात दिया है 3:2, ठीक है। तो इनके सभी कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसे लिखेंगे माना माना चतुर्भुज के आसन्न कोण, कोण बराबर। जब भी बच्चों इस तरह से अनुपात दिया है ना, तो जैसे कि यह पहला वाला हम ए का मान लेते हैं 3 और दूसरा वाला हम बी का मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब भी अनुपात दिया है तो हमें उसमें एक्स जोड़ना है, वाई भी जोड़ सकते हो आप, अंग्रेजी के कोई भी लेटर ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक्स लेंगे। तो जैसे कि कोण ए, जैसे कि दो कोण, कोणों का अनुपात क्या दिया, एक दिया है 3, तो 3 में हम एक्स जो लिख देंगे साथ में, और ये हो जाएगा और 2x। जब भी अनुपात हो तो आप इस तरह से अनुपात में x लगाना है, ठीक है। फिर बोल रहा है दो आसन्न कोणों का अनुपात है ये, तो दो आसन्न कोण, एक ये कोण ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। तो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी, अब बच्चों आपको पता है कि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो एक इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, तो ए की जगह हम लिख देंगे 3x और बी की जगह हम लिख देंगे 2x बराबर 180 डिग्री। आप चाहें तो इधर ऐसा भी लिख सकते हो, इधर लिख देती हूँ मैं, कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 2x, ठीक है। अनुपात में माना है हमने, तो हमने इसका मान इधर लिख दिया। अब हम इसका मान निकालेंगे, कोण ए का कोण बी का, तो 3 और 2 को जोड़ना है, तो कितना हो गया 5x बराबर 180। तो 5 इसके साथ में इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग करेगा, तो 180 और बटे में 5 चला जाएगा। तो 5 का भाग 180 में 2, चलो इधर करके देखते हैं हम भाग, 180 में 5 का, 1 × 5 2 × 10 3 × 5 15 4 × 20 ज़्यादा हो रहा है, 3 बार जाएगा, 16 17 18 3 बचे, घटाते हैं, 18 में से 15 गए 3 बचे, 0 है, इसको इधर उतार देते हैं, 5 × 6 30। तो कितना आ गया बच्चों, x बराबर हमारा आ गया है 36, ठीक है। अब जो ये कोण ए बराबर कितना लिया है हमने 3x और कोण बी बराबर कितना लिया है 2x, तो जहाँ x है वहाँ पे हमें x का मान रख देंगे, ठीक है। तो चलो इधर कर लेते हैं ये सवाल, इस तरह से आप लिख लो, पहला कोण, कोण ए बराबर क्या लिया था हमने 3x, तो बराबर में हो जाएगा 3 × x की जगह कितना आ जाएगा 36, ठीक है। फिर दूसरा कोण, ये हो जाएगा कोण बी बराबर कितना है,
टू एक्स, तो 2 × 36, चलो गुणा करते हैं, 3 × 18, 18 की आठ हाँसिलाई एक, 3 × 3 9 और 1 10, 2 × 6 में गुणा करेंगे 12 हाँसिलाई एक, 3 × 2 6 और 1 7, 72। ठीक है, तो देखो बच्चों, कोण ए आ गया हमारा 180 और कोण बी आ गया हमारा 72। अब हमें इसमें बच्चों चारों कोणों के मान ज्ञात करना है। तो अब तुमको पता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोण ए के सामने क्या है, कोण सी, यानी कि जितना ए का मान होगा उतना ही सी का मान होगा। तो हम इधर लिख देंगे कोण सी बराबर आ जाएगा 180, सॉरी 108, और कोण डी बराबर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।